Hey artist army, I am Pawan Nath and welcome back to my channel. So आज का वीडियो काफी स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं करने वाला हूँ आप सभी की ड्राइंग का रिव्यू जो आपने मेरी इंस्टाग्राम आईडी एंड मेल आईडी पे भेजे थे. सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल. सो आई रिक्वेस्टेड यू गाइज टू सेंड मी योर बेस्ट आर्ट वर्क एंड काफी सारे लोगों ने मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे काफी सारे लोगों ने अपने बेस्ट आर्ट वर्क भेजे थे जिन्हें मैं अभी एक एक करके रिव्यू करूंगा. सो अभी मैं खुद भी ड्रॉइंग में इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ सो बट अपनी नॉलेज के हिसाब से जितना हो सके मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप अपनी ड्रॉइंग में क्या इंप्रूव कर सकते हैं या आपकी ड्रॉइंग में क्या मिस्टेक्स हुआ है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रेंड्स. सो सबसे पहले जो ड्रॉइंग है वो मुझे भेजी है एजेंट टू विन 47 ने. ये एक कलर्ड पोर्ट्रेट है. प्रोपोर्शन वाइज तो ड्राइंग काफ़ी अच्छी है एंड स्मेल बट ये थोड़ा सा सिंपल प्लेन नज़र आ रहा है. मतलब अगर इसमें और ज़्यादा शेड्स होते डिफरेंट वैल्यूज होती कलर्स की तो ज़्यादा बेटर लगता बट ओवरऑल वेरी गुड ड्राइंग. सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट ड्राइंग. सो दूसरी ड्राइंग्स मुझे भेजी हैं एजेंट YKS ने. सो डेडपूल की ड्राइंग है ये. वैसे तो ड्राइंग काफ़ी अच्छी है बट फिनिशिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम है. शेड्स भी काफी अच्छी तरीके से हैं. अगर इसकी ब्लेंडिंग और फिनिशिंग थोड़ी अच्छी से होती तो काफी बेस्ट लगता है. सो नेक्स्ट ड्राइंग है ये स्पाइडरमैन की काफी कूल सी कलर ड्राइंग. सो ये ड्राइंग मुझे काफी अच्छी लग रही है. इसमें आप देख सकते हैं आइस में जो बिल्डिंग का रिफ्लेक्शन है वो भी बड़ा कूल सा बनाया है. सो ये वाली ड्राइंग काफी अच्छी लगी मुझे. एंड ये ड्राइंग है थोर की. तो ये कलर्ड पोर्ट्रेट है. इसमें थोड़ा ब्लेंडिंग का प्रॉब्लम लग रहा है. थोड़ा काफ़ी रफ सी ड्राइंग लग रही है बट इजीली पहचान में आ जा रहा है कि ये थोर ही है. सो ये सारी ड्राइंग्स मुझे भेजी थी एजेंट YKS ने. सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट ड्राइंग. ओह लुक एट दिस ड्राइंग. दिस ड्राइंग इज रियली अमेजिंग. सो ये ड्राइंग मुझे भेजी है आर्टिस्टिक दीपक ने. सो ये ड्राइंग काफ़ी अमेजिंग एंड काफ़ी कूल लग रही है. आप देख सकते हैं काफ़ी कूल सा इफेक्ट आया है इस ड्राइंग में एंड शेडिंग इज ऑल्सो वेरी गुड. सो फर बनाना मेरे को काफ़ी थोड़ा हार्ड लगता है तो इन्होंने फर की ड्राइंग में भी काफ़ी अच्छा काम किया है. आई रियली लाइक दिस वन ड्राइंग. सो नेक्स्ट ड्राइंग मुझे भेजिए आकाश डीवाई ने. सो ये मदर टेसा की ड्राइंग है एंड ये ड्राइंग में थोड़ा शेडिंग काफ़ी हल्की फुल्की ही की है. बहुत प्लेन सी नज़र आ रही है. बट प्रोपोर्शन वाइज ड्राइंग अच्छी है. सो जो नेक्स्ट ड्राइंग है वो मुझे भेजिए अमन मोहंती ने. सो ये विराट कोहली की एक ड्राइंग है. सो इस ड्राइंग में थोड़े प्रोपोर्शन मिस्टेक्स लग रहे हैं एंड ये जो मस्टेज एंड बियर्ड है वो थोड़ी सी कूल बन सकती थी. बाय द वे नाइस ट्राई. सो ये ड्राइंग भी अमन मोहंती ने भेजी है बट ये वाली ड्राइंग थोड़ी बेहतर है. सो इस ड्राइंग में शेड्स भी थोड़ा सही किया है. नेक्स्ट ड्राइंग मुझे भेजिए आर्टिस्ट अभिषेक ने. इन्होंने शेडिंग तो काफ़ी अच्छी की है बट थोड़े प्रोपोर्शन मिस्टेक्स लग रहे हैं बट ओवरऑल वेरी नाइस ड्राइंग. नेक्स्ट ड्राइंग भी आर्टिस्ट अभिषेक की ही है. सो ये भी आर्टिस्ट अभिषेक ने ही भेजी है और अभी तक की बाकी ड्राइंग से ये काफ़ी बेहतर है. काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहा है इसमें. काफ़ी हल्की हल्की जो इसमें शेडिंग की है वो काफ़ी अच्छी लग रही है. नेक्स्ट ड्राइंग मुझे भेजी है आर्टिस्ट श्वेता ने. सो वैसे प्रोपोर्शन वाइज एंड शेडिंग वाइज ड्राइंग काफ़ी अच्छी है बट अगर आप थोड़ी सी डार्क शेड की पेंसिल्स का भी यूज करेंगे तो ड्राइंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी. सो नेक्स्ट ड्राइंग भी आर्टिस्ट श्वेता की है तो इसमें भी सेम प्रॉब्लम है. सो इस ड्राइंग में ऐसा लग रहा है कि पूरी जो ड्राइंग है वो एक ही ग्रेड की पेंसिल से बनाई है. सो अगर आप अलग अलग ग्रेड की पेंसिल्स का यूज करेंगे तो ड्राइंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी. ओवरऑल आपकी ड्राइंग काफ़ी अच्छी है. ये ड्राइंग पर आर्टिस्ट श्वेता ने ही भेजी है. हाँ तो इसमें थोड़ा सा ये बेटर लग रही है क्योंकि इसमें काफ़ी अलग अलग शेड्स की पेंसिल्स का यूज नज़र आ रहा है. जैसे हेयर एंड जो ज्वेलरी है वो काफ़ी डार्क लग रही है. सो ये वाली थोड़ी बेहतर है. सो जो नेक्स्ट ड्राइंग भेजी है वो मुझे भेजी है आर्टिस्ट उत्तम ने. एक बर्ड की काफ़ी कूल सी ड्राइंग भेजी है. सो शेडिंग का काम भी काफ़ी अच्छा किया है इसमें. सो काफ़ी अच्छी ड्राइंग बनाई है आपने. सो नेक्स्ट ड्राइंग भी आर्टिस्ट उत्तम की है. इन्होंने अभी राधा कृष्णा की ड्राइंग बनाई है कलर्ड में जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है. नेक्स्ट ड्राइंग मुझे भेजी है आर्ट
लवर विश्वजीत ने, और इन्होंने आयरन मैन का काफ़ी कूल सा पोर्ट्रेट बनाया है। मुझे इसमें सारे शेड्स एंड हाइलाइट्स काफ़ी अच्छी लग रही हैं, बट हेयर्स और ज़्यादा बेहतर हो सकते थे, बाकी ड्राइंग काफ़ी बेस्ट है। नेक्स्ट ड्राइंग मुझे भेजिए आशु आर्ट्स ने, एंड ये ड्राइंग काफ़ी बेस्ट लग रही है। द शेड्स इन दिस ड्राइंग आर रियली अमेजिंग। तो आप इसमें देख सकते हैं शेडिंग में वर्क एंड प्रोपोर्शन सारी चीज़ें काफ़ी बेस्ट हैं, एंड इन्होंने जो डार्क एंड हाइलाइट्स मतलब डिफरेंट ग्रेड्स की पेंसिल का यूज किया है, मतलब आपको इनकी शेडिंग में डिफरेंट ग्रेड्स मिल सकते हैं, तो उससे ड्राइंग काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लग रही है। सो नेक्स्ट ड्राइंग भी आशु आर्ट्स की है, और ये ड्राइंग भी आप देख सकते हैं काफ़ी अमेजिंग है, शेडिंग वाइज बैकग्राउंड काफ़ी सारा कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। सो नेक्स्ट ड्राइंग वाओ। सो नेक्स्ट ड्राइंग भी आशु आर्ट्स की है, और इन्होंने इतनी अनबिलीवेबल ड्राइंग बनाई है। सो आप देख सकते हैं ये गॉड ऑफ वार का ये करेक्टर है क्रेटोस, आई थिंक, मैं गेम्स तो ज़्यादा खेलता नहीं हूँ बट आई नो कि ये गॉड ऑफ वार का ये करेक्टर है। सो इन्होंने इसमें देख सकते हो आप कितनी ज़्यादा डिटेलिंग की है। सो ये जो गाल स्किन पोर्स होते हैं नोज़ में या चीक्स में, इन्होंने वो भी ड्रॉ किए हैं। सो काफ़ी अमेजिंग ड्राइंग है। सो आपकी ड्राइंग को तो मैं रिव्यू कर ही नहीं सकता, क्योंकि आप काफ़ी अमेजिंग ड्राइंग करते हैं, हो सके तो आप मेरी ड्राइंग का रिव्यू कर लीजिएगा। एंड ये भी आशु आर्ट्स की ड्राइंग है, और ये भी आप देख सकते हैं इन्होंने विकी कौशल की काफ़ी अमेजिंग ड्राइंग बनाई है। सो इन्होंने प्रोपोर्शन वाइज शेडिंग वाइज सारा कुछ काफ़ी अच्छा किया है, एंड जो हेयर्स में हाइलाइट्स हैं वो भी काफ़ी अच्छी लग रही हैं। सो यू आर रियली अमेजिंग आर्टिस्ट, कीप ड्राइंग। सो नेक्स्ट ड्राइंग मुझे भेजिए आयुष कुमार ने, गौतम बुद्धा की एक ड्राइंग भेजी है। सो ये ड्राइंग काफ़ी अच्छी लग रही है, हल्के से जो इसमें डॉट डॉट वाला टेक्सचर है एंड द बैकग्राउंड, सो ये ड्राइंग काफ़ी प्यारी लग रही है। सो नेक्स्ट ड्राइंग भी मुझे आयुष कुमार ने ही भेजी है। सो ये ड्राइंग में थोड़ा सा प्लेन नज़र आ रहा है, एंड बैकग्राउंड जो है ये जो बैकग्राउंड में सर्कल हैं ये थोड़े और सर्कुलर बनाते या थोड़े सिमेट्रिकल होते तो ज़्यादा बेटर लगती है ड्राइंग, बट ओवरऑल गुड वर्क। नेक्स्ट ड्राइंग मुझे भेजी है भूमिका आर्ट्स ने, वाओ दिस ड्राइंग इज रियली अमेजिंग। सो आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी स्मूथ सी एंड काफ़ी वेरिएशन वाली शेडिंग की है, सो ऐसी ड्राइंग्स काफ़ी प्यारी लगती हैं, बिल्कुल रियलिस्टिक भी लग रही है। सो जियान मलिक की ड्राइंग है, काफ़ी मज़ेदार बनाई है भूमिका आर्ट्स ने, यू आर रियली टैलेंटेड आर्टिस्ट। सो ये भी भूमिका आर्ट्स ने ही बनाई है, एंड आप इसमें भी देख सकते हैं इन्होंने काफ़ी अच्छी से शेडिंग की है, रियली ग्रेट वर्क। नेक्स्ट ड्राइंग मुझे भेजी है सर्कल ऑफ आर्ट लाइन। सो आप देख सकते हैं ये ड्राइंग काफ़ी अमेजिंग लग रहा है, इन्होंने काफ़ी हल्के शेड में इतनी अच्छी से शेडिंग की है, जहाँ पे हाइलाइट्स होनी चाहिए एक्यूरेट हाइलाइट्स हैं, एक्यूरेट शेडिंग है, सारा वर्क बिल्कुल एक्यूरेट किया है। सो ये ड्राइंग काफ़ी बेस्ट है, और इन्होंने कलर्ड आई बनाए हैं जो कि इस ड्राइंग में काफ़ी कूल लुक दे रही हैं, रियली अमेजिंग ड्राइंग। सो नेक्स्ट ड्राइंग भी भेजिए सर्कल ऑफ आर्ट लाइन ने, वाओ ये वाली ड्राइंग काफ़ी प्यारी लग रही है, मुझे ये वाला पार्ट्स काफ़ी अच्छा लगता है, जैसे इन्होंने चीक्स में जो एक हाइलाइटेड एरिया छोड़ा है वो ड्राइंग में मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो इन्होंने भी काफ़ी अच्छी शेडिंग की है इसमें। सो नेक्स्ट ड्राइंग मुझे भेजी है राजा आर्ट्स ने, सो इनकी ड्राइंग भी वैसे तो काफ़ी अच्छी है, बट ये भी थोड़ी सिंपल प्लेन है, तो अगर आप भी अलग अलग ग्रेड्स की पेंसिल्स का यूज करेंगे तो ड्राइंग काफ़ी अच्छी लगेगी। सो नेक्स्ट ड्राइंग मुझे भेजी है डोना सावनर, तो इन्होंने भी काफ़ी अच्छी ड्राइंग बनाई है। सो इसमें जो लाइट एंड हाइलाइट्स का जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो आप देख सकते हैं फेस में काफ़ी वेरिएशन हैं, कहीं पे काफ़ी हाइलाइटेड पार्ट्स हैं, कहीं शेडोज हैं, मतलब ओवरऑल काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन किया इन्होंने शेडिंग का, सो इसलिए ड्राइंग भी काफ़ी रियलिस्टिक लग रही है। एंड ये ड्राइंग चारकोल में बनाई है शायद, काफ़ी अच्छी ड्राइंग बनाई है, वाओ। नेक्स्ट एक बहुत प्यारी सी ब्यूटीफुल पेंटिंग भेजी है, ये भी डोनल साहू ने भेजी है, और ये पेंटिंग काफ़ी ब्यूटीफुल है। सो सेम ये शायद चक ब्लैक से, जो कि यूट्यूबर आर्टिस्ट हैं, उनसे इंस्पायर्ड पेंटिंग है। सो मुझे उनकी पेंटिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इतना हाइपर रियलिस्टिक पेंटिंग करते हैं वो, बिल्कुल ऐसा लगता है कि फोटोग्राफ है। सो उनकी पेंटिंग से मैं भी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ, सो आई रियली लव दिस पेंटिंग। सो नेक्स्ट ड्राइंग भी डोनल साहू की है, सो ये आई की काफ़ी ब्यूटीफुल सी ड्राइंग बनाई है। सो सेम आई की ड्राइंग शायद मैंने भी बनाई थी एक बार, काफ़ी अच्छी, और जो इसमें टीयर ड्रॉप है वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट ड्राइंग ये भी डोनल साहू की ड्राइंग है, सो ये वाली ड्राइंग भी काफ़ी अच्छी है, इन्होंने जो है जो फेशियल हेयर्स हैं उस पर काफ़ी अच्छा वर्क किया है, तो आप देख सकते हैं बियर्ड एंड मस्टेज, इन्होंने हर एक हेयर्स को ड्रॉ किया है।
तो अभी तक जो मैं पिछली ड्रॉइंग्स में काफ़ी सारे उसमें मैंने ये मिस्टेक्स देखी थी कि लगभग सब बहुत सारे आर्टिस्ट जो बिगिनर होते हैं वो यही मिस्टेक करते हैं कि खाली उस एरिया को कवर कर लेते हैं पेंसिल से, बट उसकी जगह आपको हेयर बाय हेयर सारे मस्टेज या सारे बियर्ड के हेयर्स को ड्रॉ करना चाहिए तभी वो रियलिस्टिक लगते हैं। सो नेक्स्ट ड्रॉइंग मुझे भेजी है गौरी नाथ ने। ओवरऑल तो ड्रॉइंग अच्छी है बट फेस इजीली पहचान में नहीं आ पा रहे हैं। सो आप प्रैक्टिस करते रहें, धीरे धीरे आपकी ड्रॉइंग बिल्कुल अच्छी होती रहेगी। यू आर वर्किंग रियली गुड। नेक्स्ट ड्रॉइंग मुझे भेजी है कर्ण 5533 ने। सो ये ड्रॉइंग भी काफ़ी अच्छी लग रही है। अ मदर होल्डिंग हर चाइल्ड, ओवरऑल तो अच्छा है बट थोड़ी प्लेन है, ज़्यादा थोड़ी और शेडिंग में वेरिएशन होती तो ड्रॉइंग काफ़ी अच्छी लगती। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट ड्रॉइंग। ये ड्रॉइंग मुझे भेजी है महावीर जग्गी आर्ट्स ने। सो ये वॉर मूवी का एक पोस्टर बनाया है। सो ड्रॉइंग वैसे तो काफ़ी ब्लर्ड नज़र आ रही है, इसमें मेरे को उतना साफ फोटो मिला नहीं है इसका, बट फिर भी उसमें शेडिंग मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। सो अगर फोटो की हाई क्वालिटी फ़ोटो होती तो शायद अच्छे से पता चलता, बट ओवरऑल काफ़ी अच्छी ड्रॉइंग लग रही है। सो नेक्स्ट ड्रॉइंग मुझे भेजी है मनीष कुमार ने। सो ये ड्रॉइंग भी अच्छी बनाई है, प्रोपोर्शन वाइज तो काफ़ी अच्छी है बट ये भी काफ़ी प्लेन है, इसमें जैसे इस शेडिंग में वेरिएशंस नज़र नहीं आ रहे ज़्यादा, हाइलाइट्स एंड शेडोज का वर्क ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट ड्रॉइंग भी ये मनीष कुमार ने ही भेजी है। सो इन्होंने भी सेम मिस्टेक किया जैसा मैं भी आपको बता रहा था। सो आप देख सकते हैं जो इन्होंने बियर्ड के हेयर्स बनाए वो रैंडमली कैसे भी किसी भी डायरेक्शन में बना दिए और सारे अजीब से बना दिए, मतलब अगर आप सो स्टेप बाय स्टेप हर एक हेयर्स को ड्रॉ करें तो ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगा। सो नेक्स्ट ड्रॉइंग जो है ये भी मनीष कुमार की है। सो आई एम गेसिंग ये कियारा आडवाणी की ड्रॉइंग बनाई है। सो नेक्स्ट ड्रॉइंग मुझे भेजी है जो आर्टिस्ट नवीद खत्री ने। वाओ ये ड्रॉइंग मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। सो मुझे ऐसे टाइप की ड्रॉइंग्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आती हैं, यू नो थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट टच हो जिसमें। सो ये वाली ड्रॉइंग रॉकस्टार मूवी का पोस्टर बनाया है और काफ़ी अमेजिंग बनाया है। आप देख सकते हैं फेस पे वर्क सारा कुछ जो है इसमें कलर वाइज वेरी परफेक्ट ड्रॉइंग। I really love this one. So this one is really amazing drawing. So next drawing जो है मुझे भेजी है एस नबीला आर्ट्स ने। सो इन्होंने काफ़ी अमेजिंग सा शेडिंग किया है इसमें। सो ये ड्रॉइंग काफ़ी अच्छी लग रही है बट ये शायद पेंटिंग है क्योंकि इसमें मुझे कैनवास का टेक्स्चर नज़र आ रहा है, तो शायद ये ब्लैक एंड वाइट पेंटिंग है। आप जैसे कि देख सकते हैं इन्होंने शेडिंग में इसमें कितने सारे वेरिएशंस दिए हैं, सो इसलिए ड्राइंग काफ़ी अमेजिंग नज़र आ रही है। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट ड्राइंग। सो नेक्स्ट ड्राइंग मुझे भेजी है सालू बिष्ट ने। सो इन्होंने आयरन मैन की एक काफ़ी अमेजिंग सी ड्राइंग बनाई है। सो ये एक वेक्टर आर्ट जैसा लग रहा है, काफ़ी अमेजिंग सा। इन्होंने शेडिंग भी अच्छी की है, हाईलाइट्स भी सही हैं और एक रियली कूल लुक में बनाया है। नेक्स्ट ड्राइंग मुझे भेजी है सौम्यो ने। सो ये ड्राइंग वैसे शेडिंग वाइज तो काफ़ी बेस्ट है बट अगर आप इसे थोड़ा सा क्लीन बनाते तो ज़्यादा बेटर लगता। सो नेक्स्ट ड्राइंग भी मुझे सौम्यो ने ही भेजी है। सो पेनी वाइज की ड्राइंग बनाई है, ड्राइंग काफ़ी कूल लग रही है। सो जो इसमें डिफरेंस है हाईलाइट्स एंड डार्क का उससे ये ड्राइंग काफ़ी अच्छी लग रही है। सो ये ड्राइंग मेरी ही बनाई है। सो ये ड्राइंग मुझे भेजी है सौरभ देवनाथ आर्टिस्ट ने और काफ़ी अच्छी ड्राइंग बनाई है इन्होंने मेरी। थैंक यू सो मच भाई, आई रियली लव दिस ड्राइंग। सो इन्होंने भी जैसे हेयर्स में काफ़ी अच्छा वर्क किया है एंड हाइलाइट्स एंड शेडिंग में भी काफ़ी अच्छा काम है। सो आप देख सकते हैं अगर आप शेडिंग सही तरीके से करें और ब्लेंडिंग अच्छे से ना भी करें तो ड्राइंग काफ़ी अच्छी लगती है। जैसे इसमें अभी भी शेडिंग दिख रही है तो बट फिर भी ये काफ़ी अमेजिंग ड्राइंग लग रही है। सो ब्लेंडिंग से ज़्यादा ड्राइंग पे इम्पैक्ट शेडिंग का पड़ता है, इसलिए शेडिंग आप काफ़ी अच्छे से करें। सो नेक्स्ट ड्राइंग्स मुझे भेजी है सुचंद्रा आर्ट्स ने। सो इन्होंने हमारे देश के प्राइड अभिनंदन की ड्राइंग बनाई है। सो नेक्स्ट ड्राइंग भी सुचंद्रा ने ही भेजी है। वाओ ये ड्राइंग में इन्होंने काफ़ी स्मूथ और प्लेन सी शेडिंग भी की है और ये ड्राइंग काफ़ी अच्छी लग रही है। सो ये हिमा दास की ड्राइंग है शायद। सो काफ़ी अच्छी ड्राइंग बनाई है इन्होंने। सो नेक्स्ट ड्राइंग भी इन्होंने सुचंद्रा ने ही भेजी है। सो इन्होंने आई की एक अच्छी काफ़ी अच्छी ड्राइंग बनाई है। सो ये वाली ड्राइंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी। सो नेक्स्ट ड्राइंग मुझे भेजी है सुमित पाल आर्ट्स ने। सो ये स्टैनली की ड्राइंग है शायद। सो ये ड्राइंग काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हैं इसमें भी शेडिंग काफ़ी अच्छे से की है एंड हाईलाइट्स इसका कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है।
नेक्स्ट ड्राइंग भी सुमित पाल आर्ट्स की है और ये एक पेंटिंग है शायद वाटर कलर की या फिर पेस्टल की होगी, बट काफ़ी अच्छी ड्राइंग लग रही है। सो या तो वाटर कलर या पेस्टल की ड्राइंग लग रही है मुझे, आई डोंट नो, बट काफ़ी अच्छी पेंटिंग बनाई इन्होंने लॉर्ड रामा की। सो नेक्स्ट ड्राइंग भी सुमित पाल आर्ट्स की है और इन्होंने काफ़ी ब्यूटीफुल सी पेंटिंग बनाई है। सो इन्होंने आई गेस लक्ष्मी माता बनाई है, हाँ। सो इन्होंने लक्ष्मी माता की काफ़ी ब्यूटीफुल सी पेंटिंग बनाई है। सो ये तो वाटर कलर की पेंटिंग ही नजर आ रही है। सो इन्होंने वाटर कलर में भी काफ़ी अच्छी पेंटिंग बनाई है। सो मैं भी वाटर कलर ज़्यादा ट्राई करता नहीं हूँ, पहले मैं वाटर कलर से करता था। सो मेरे से ज़्यादा वाटर कलर से अच्छी पेंटिंग नहीं बनती, बट मैं ट्राई करूँगा कि मैं भी वाटर कलर से एक दो पेंटिंग्स अपने चैनल पर अपलोड करूँ। सो ये ड्राॅइंग काफ़ी अच्छी लग रही है। इन्होंने वाटर कलर से भी फेस में काफ़ी अच्छे शेड्स बनाए हैं और हाइलाइट्स भी। सो वेरी नाइस ड्राॅइंग। सो नेक्स्ट ड्राॅइंग ये भी सुमित पाल आर्ट्स की है और इन्होंने जोकर और बैटमैन दोनों का एक कॉम्बिनेशन बनाया है। सो ये ड्राॅइंग काफ़ी कूल लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे एनिमेशन का करेक्टर है। सो ये वाली ड्राॅइंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी। सो नेक्स्ट ड्राॅइंग मुझे भेजी है, ये भी सुमित पाल आर्ट्स की है। सो ये सेम ड्राॅइंग मैंने बनाई है जो कि आप पीछे देख भी सकते हैं, इसे मैंने फ्रेम करके सजाया भी था, लॉर्ड गणेशा की ड्राॅइंग। सो ये ड्राॅइंग में काफ़ी अच्छी शेडिंग है, काफ़ी अच्छी हाइलाइट्स में वर्क है। सो ये ड्राॅइंग काफ़ी प्यारी लग रही है। नेक्स्ट ड्राॅइंग मुझे भेजी है सुनील समंत्रा ने और ऐसे ड्राॅइंग की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी अच्छे से डिटेलिंग भी की इन्होंने। एंड आई रियली इस ड्राॅइंग में मुझे आईज बहुत अच्छी लग रही है, इन्होंने आईज पे काफ़ी अच्छा वर्क किया है। सो ऋतिक रोशन की इन्होंने काफ़ी प्यारी ड्राॅइंग बनाई है। सो नेक्स्ट है एक डिजिटल पेंटिंग जो मुझे टेमो आर्ट्स ने भेजी है। सो ये ड्राॅइंग वैसे डिजिटल पेंटिंग मैंने आज तक एक भी नहीं की है, तो मुझे डिजिटल पेंटिंग का ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है, बट इन्होंने ड्राॅइंग काफ़ी अमेजिंग बनाई है, काफ़ी कूल सी ड्राॅइंग लग रही है। ये करेक्टर कौन सा है मुझे ये भी नहीं पता है। सो नेक्स्ट ड्राॅइंग जो मुझे भेजी है यूएस ट्रिली मानी ने। सो इन्होंने मदर टेरेसा की ड्राॅइंग बनाई है। सो वैसे इन्होंने ज़्यादा अपनी ड्राॅइंग में शेडिंग नहीं की है, काफ़ी प्लेन सी नज़र आ रही है, बट आप प्रैक्टिस करते रहिए, धीरे धीरे आपकी ड्राइंग्स में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होगा। सो अगर आप बिगिनर आर्टिस्ट हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप बेसिक से शुरू करें और पहले इजी इजी ड्राइंग्स शुरू करें। ओल्ड मैन की ड्राइंग्स ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं क्योंकि इनमें जो रिंकल्स ड्रॉ करने पड़ते हैं वो काफ़ी टफ होते हैं। सो आप कोशिश करें कि आप पहले जो ईजी ड्राॅइंग्स हैं उनसे शुरुआत करें, धीरे धीरे करके अपनी जैसे जैसे आपकी ड्राॅइंग इंप्रूव होगी तो फिर आप नए नए चैलेंजेस एक्सेप्ट करते रहिए, तो उससे आपकी ड्राॅइंग में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा। ये सारी सो ड्राॅइंग्स थी जो आप सबने मुझे भेज दी। सो सबसे पहले तो मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगा जिन्होंने भी मुझे ड्राॅइंग्स भेज दी, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। सो आप सभी बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं, आप सभी ऐसे ड्राॅइंग करते रहिए कि आई होप आप आर्ट के इस फील्ड में अपना बहुत बड़ा नाम करेंगे। सो इस वीडियो में जितने हो सके मैंने उतने लोगों की ड्राॅइंग को रिव्यू करने की कोशिश की, अगर आपकी ड्राॅइंग में रिव्यू नहीं कर पाया तो मैं उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, बट मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड करूंगा जिसमें मैं बाकी बचे हुए और एंड जो और मुझे भेजना चाहते हैं उन सभी की ड्राॅइंग को रिव्यू करूंगा। सो आज के लिए फिलहाल इतना ही, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।